Welcome back to my channel. Today I'm going to show you a purple haul. So after so long I'm doing a purple haul. I know it's too late, but I know मतलब मैं काफ़ी दिन बाद purple haul बना रही हूँ और मुझे almost मैंने last time lockdown time बनाया था. So now it's too late. So today I'm going to show you what I got for purple. So without further ado, let's get started. Firstly, I got from Purple. Is this I got this some products. First, I showed you. Okay. ज़्यादा कुछ नहीं मैंने थोड़े से random products लिए हैं Purple से. Okay. First, जो मैंने लिया वो इस Kaya Hair का Hair Essentials Anti Dandruff Shampoo. Okay. पता नहीं reflect हो रहा है काफी. I don't know why. Camera में. So you know my hair is really dandruff वाले. So मैं almost सब shampoos try किए मेरे dandruff के लिए. बट और चलो मैं काया का भी ट्राई कर लेती हूँ इस बार. तो इसका एंटी डैंड्रफ शैम्पू, इसका लोशन भी आता है, पर मैंने सोचा मैं पहले इसका शैम्पू ट्राई कर लेती हूँ, उसके बाद लोशन देखूँगी. तो या तो लेट्स सी हाउ दिस इज़ वर्किंग. तो ये लेटेस्ट ही मैंने लिया है अभी. ओके, नेक्स्ट मैंने पर्पस लिया है वो दिस गुड वाइब्स का न्यू टोनर, ब्लू टोनर. सो ये न्यू लॉन्च हुआ है पर्पल का एल सी. सो ऐसा रोज़ ग्लो टोनर. तो मुझे ऐसा कुछ टोनर चाहिए था जो थोड़ा ग्लोइश लुक दे. सो या इसमें मैंने यूज़ किया एक दो बार, मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसका टेक्सचर. सो या इसका ये रोज टोनर और आता है सेम ऐसा नहीं, बट थोड़ा सा डिफरेंस है एज़ कम्पेयर टू वॉले से. सो या बट दिस इज़ अ न्यू वन. इसका मैंने सीरम भी शायद लिया है. ओ या ओके, नेक्स्ट भी मैंने लिया है वो लिप बायोटिक लिपस्टिक, बायोटिक नेचुरल मेकअप मैजिक कलर इन द शेड रेड वेलवेट. हाँ, रेड वेलवेट. ओके, यू कैन सी कैमरे में थोड़ा सा पिंकिश टोन आ रहा है, बट ये रेड वेलवेट टाइप का रेड है, पूरा प्योर रेड है. सो सर मैंने बायोटिक के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैंने अपनी मॉम के लिए लिया है. सो इसकी स्मेल की बात करूँ तो इसकी स्मेल काफ़ी प्रिटी है, लाइक फ्लावर टाइप्स की थोड़ी सी. सो या सो यू कैन गो फॉर दिस. इज अ नॉट अ मैट फिनिश, बट या इज अ क्रीमी टाइप्स की. सो ओके, नेक्स्ट आई गॉट दिस डिटॉल की फ्रेश शेविंग क्रीम. इसकी स्मेल मुझे काफ़ी अच्छी लगती है शेविंग क्रीम की. सो या डिटॉल वन, सो डिटॉल इज वेरी ग्रेट प्रोडक्ट. सो या ये मैंने लिए और ये अराउंड मुझे कुछ 50 या 40 रुपीज़ की मिली थी. तो पर्पल से आप यार क्रीम ले सकते हैं, शेविंग क्रीम. ओके, नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने लिया बोल दिस हिमालय का रिफ्रेशिंग क्लैरिफाइंग टोनर. सो ये आपको 80-90 रुपीज़ का मिल जाता है. सो ये अभी मैं जस्ट फ्रिज से लाई हूँ, काफ़ी कोल्ड है. सो या ये टोनर मुझे सही लगता है. इफ़ आई डोंट हैव एनी टोनर मोर देन मैं इसी को यूज़ करती हूँ. सो काफ़ी सही है. ओके, नेक्स्ट भी मैंने जो लिया है बोल दिस जॉनसन बेबी ऑयल. सही मैं समर्स में बेसिकली यूज़ करती हूँ आफ्टर माई बाथ. तो मुझे काफ़ी ये भी अच्छा लगता है. सो मैंने स्मॉल साइज लिया है, बड़ा साइज था मेरे पास, मैंने इसका स्मॉल लिया है. सो ओके, नेक्स्ट जो है वो दिस एल्स गुडनेस का सेफ्रॉन स्किन ग्रोथ सीरम. यू डोंट नो. सो ये कैमरे में रिफ्लेक्ट हो रहा है, बट ओवरऑल मैंने इसको यूज़ किया एक दो ड्रॉप्स में, मुझे काफ़ी ठीक लगा है. जैसे आप इसमें लगाओगे आपकी स्किन में तुरंत ड्रॉप हो जाएगा. सो दिस इज़ नॉट लाइक कि ऑयल ऑयल दिखेगा आपके फेस पे. सो दिस इज़ लाइक दिस वन और ये सेफ्रॉन वन है. मैंने इसका आप पोमेग्रेनेट वाला यूज़ किया है. हाँ, थॉट्स में सेफ्रॉन का भी यूज़ कर लूँ, बट इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, काफ़ी डिफरेंट लगा मुझे. सो जिसका जो प्राइस है वो अराउंड 120-130 तक का मैंने लिया था. सो ओके, लास्ट से जो मैंने लिया है पर्पल से वो दिस निविया का टोटल क्लीन अप फेस वॉश. तो ये मैंने यूज़ किया है, ये आपको आप दिस लाइक अ स्क्रब पैक टाइप का, मतलब आप इसको लगा भी लो, स्क्रब भी है इसमें, और अगर आपको रखना है पैक की तरह तो पैक की तरह भी रख सकते हो. सो मैंने अराउंड ये 108 समथिंग का मिला है. स्मॉल है काफ़ी, यू कैन सी काफ़ी स्मॉल है. पिक्चर मुझे लगा थोड़ा सा बड़ा होगा, बट 50 ml है, कहीं से लग नहीं रहा, बट या सो यार ये लास्ट प्रोडक्ट था.
Hey guys, this is my purple hole. Hope you like it. If you like it, then like, share, comment. And follow my Instagram, links for everything. Comment down below what you want next and everything. So, yeah. So, bye-bye.